होंगे। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से दाखिल किए गए एक केस में अदालत ने उन्हें आज पेश होने का निर्देश दिया था। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ भी कोर्ट ने समन दायर किया है, तो सुरजेवाला भी राहुल गांधी के साथ अहमदाबाद जा सकते हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि नोटबंदी के बाद अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में 745 करोड़ रुपए के पुराने नोट बदले गए थे। इसी मामले में बैंक ने पिछले साल राहुल गांधी के खिलाफ केस दाखिल किया था। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए हेल्थ एटीएम खोलने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेल्थ एटीएम में खून की सामान्य जांच के अलावा वजन, होमोग्लोबिन, मलेरिया, आंख और त्वचा से जुड़ी 40 तरह की जांच की सुविधा मिलेगी। जांच करने के साथ हेल्थ एटीएम से लोगों को कुछ ही देर में रिपोर्ट भी मिल जाएगी। इस हेल्थ एटीएम को इंटरनेट से भी जोड़ा गया है, जिसके जरिए जांच रिपोर्ट लोगों के मोबाइल और ईमेल पर भी भेजी जा सकती है। इस हेल्थ एटीएम को योलो नाम की एक स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया है। बताया गया कि इस हेल्थ एटीएम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भावनगर के ग्रामीण इलाकों में लगाया जाएगा। इस हेल्थ एटीएम के जरिए मरीज डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह भी ले सकेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अध्यक्ष बनाए जाने की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि उन्हें पद की लालसा नहीं है और फिलहाल संगठन को मजबूती से खड़े रखना उनकी प्राथमिकता है। खुद को कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता बताते हुए सिंधिया ने कहा कि वो किसी भी पद की दौड़ में नहीं है। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि राहुल गांधी इस्तीफा दे देंगे। लगातार मांग उठ रही है, जो कार्यकर्ता हैं वो भी मांग उठा रहे हैं कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए या फिर अब मेरी सोच विचारधारा स्पष्ट है। मैं कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता हूं, जनता के लिए, जनसेवा के लिए इच्छुक, और वही मेरी सोच और विचारधारा है। मैं कभी भी ना कोई पद के दौड़ में, ना कोई कुर्सी के दौड़ में, जनता की सेवा के दौड़ में बस। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के आपके पोस्टर जगह जगह लगे हुए। अभी वर्तमान में हम लोगों को सब साथ में जुड़कर जो एक बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है और गंभीर घड़ी भी है कांग्रेस पार्टी के लिए, हम सबको जुड़कर कार्य करना होगा। सरकार ने अल जवाहिरी की धमकी को खोखला बताया। आतंकी संगठन अलकायदा